प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमने पहले भी कोरोना के खिलाफ सफल लड़ाई लड़ी है और अब जिस ढंग से कोरोना बढ़ रहा है, संकट भयावह हो रहा है, विकट हो रहा है, इसलिए हम सबको मिलके कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जूझने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन निरंतर हमें मिलता है, जो हमारी असली ताकत है। मैं अपने कार्यकर्ता बहनों और भाइयों से, क्योंकि आपके माध्यम से आप मंडल अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, विधायक साथी हैं, सांसद साथी हैं, पदाधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, हम सब हर कार्यकर्ता को पूरी तरह से कोरोना संक्रमण की लड़ाई जीतने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। देखिए, संक्रमण ऐसा नहीं है कि जिससे अकेली सरकार निपट ले। मैं मुख्यमंत्री के नाते आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं। अस्पताल भर गए हैं, उनमें कैसे बिस्तरों की संख्या बढ़े, प्राइवेट अस्पताल भी कई जगह लिए जा रहे हैं, कोविड केयर सेंटर भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इलाज की व्यवस्था कैसे सुचारू चल सके, इसमें हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। एक तरफ इलाज की बेहतर व्यवस्था, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वैक्सीनेशन को तेजी से आगे बढ़ाने का अभियान, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कार्यकर्ता साथियों के संक्रमण को रोकने के लिए अगर मास्क लगा लें सब, तो इसी में जनता के सहयोग की आवश्यकता है। अस्पताल जाने की जरूरत ही ना पड़े, आखिर अस्पताल में बिस्तरों की भी तो सीमा है। आज संक्रमित पेशेंट्स की संख्या 3300 से ज्यादा आई है,